नमस्कार दोस्तों, इमित्र ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर दोस्तों आप भी अपने एटीएम कार्ड के नंबर पता करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि किस तरह से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने एटीएम कार्ड के नंबर पता कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अपने एटीएम कार्ड के नंबर पता करने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस आर्टिकल पर आ जाएंगे। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं अपने एटीएम कार्ड के नंबर पता करने के दो आसान तरीके। यहां पर दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दो आसान तरीके बताए गए हैं, जिसके द्वारा आप अपने SBI बैंक के एटीएम कार्ड के नंबर पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका हम देख लेते हैं कि पहला तरीका कौन सा है। अगर दोस्तों आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है तो सेम नंबर इसी तरह से आपको एटीएम कार्ड पर देखने को मिल जाएंगे। यहां पर दोस्तों आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं हमारे पास SBI बैंक का एटीएम कार्ड है। यहां पर दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले आपको जिस भी बैंक का आपके पास एटीएम कार्ड है उस बैंक का आपको नेम यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ यहां पर आपको एक स्मार्ट चिप देखने को मिलेगी। चिप के जस्ट नीचे ही आपको अपने एटीएम कार्ड के 16 अंकों के एटीएम कार्ड नंबर देखने को मिल जाएंगे। यही दोस्तों आपके एटीएम कार्ड के नंबर होते हैं। आपके पास SBI बैंक के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जिस भी बैंक का एटीएम कार्ड है सब पर आपको इसी तरह से 16 अंकों के एटीएम कार्ड नंबर देखने को मिलेंगे। एटीएम कार्ड नंबर के नीचे ही आपको एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट देखने को मिलेगी, यानी कौन से महीने और कौन से साल में आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर होने वाला है। तो यहां पर देखिएगा आपको इसी एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट भी देखने को मिल रही है। एटीएम कार्ड एक्सपायरी डेट के नीचे ही आपको एटीएम कार्ड धारक का नेम भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप भी अपने एटीएम कार्ड के नंबर चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एटीएम कार्ड के नंबर देखने को मिलेंगे, एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट और आपका एटीएम कार्ड पर नेम भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको एटीएम कार्ड का टाइप यानी प्रकार देखने को मिलेगा। आपका एटीएम कार्ड रुपए डेबिट कार्ड है या फिर मास्टर कार्ड है या फिर वीजा कार्ड है, आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। यह देख सकते हैं SBI बैंक का रुपए डेबिट कार्ड है। यहां से आप अपने डेबिट कार्ड के टाइप यानी प्रकार का भी पता कर सकते हैं। तो एटीएम कार्ड के नंबर, एक्सपायरी डेट और कार्ड होल्डर का नेम और एटीएम कार्ड के टाइप का पता करने के बाद दोस्तों आपको एटीएम कार्ड के पीछे आना है। जैसे दोस्तों आप एटीएम कार्ड के पीछे देखेंगे तो यहां पर दोस्तों देखिएगा, ध्यानपूर्वक आपको देखना है, यहां पर 3 अंकों के आपको एटीएम कार्ड के CVV नंबर यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि आपके एटीएम कार्ड के नंबर कौन से है तो आप अपने एटीएम कार्ड को निकालिए, अपने सामने रखिएगा, सबसे ऊपर देखिएगा आपको 16 अंकों के एटीएम कार्ड नंबर देखने को मिलेंगे, यही आपके एटीएम कार्ड के नंबर है। इसी के साथ एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे देखने को मिलेगी और एटीएम कार्ड के पीछे आपको 3 अंकों के CVV नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों दूसरा केस आता है कि आपका एटीएम कार्ड कहीं पर खो गया है या फिर आपका एटीएम कार्ड आपको मिल नहीं रहा है और आपको अपने एटीएम कार्ड नंबर की आवश्यकता है। और दोस्तों अगर आपके पास SBI बैंक का एटीएम कार्ड है तो यहां पर देखिएगा आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताई गई है कि किस तरह से दोस्तों आप SBI की वेबसाइट पर जाने के बाद अपने एटीएम कार्ड के नंबर पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन में इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालने का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। आपको अपने यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड दिख रहा है, इसको यहाँ पे भरने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा। यहां पर देखिएगा आपको ई सर्विसेज लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको ई सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे दोस्तों आप ई सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिएगा आपको ई सर्विसेज के नीचे ही फर्स्ट नंबर पर एटीएम कार्ड सर्विसेज लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और यहां पर देखिएगा आपको व्यू लिंक्ड एटीएम कार्ड्स आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके बैंक अकाउंट है वो आ जाएंगे। आप जिस भी बैंक अकाउंट के एटीएम कार्ड नंबर पता करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट नंबर को आपको सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल आपके सामने आ जाएगी, आपके अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट का टाइप कौन सा है, सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपको एटीएम कार्ड नंबर की जानकारी भी यहां पर देखने को मिल जाएगी, एटीएम कार्ड होल्डर का नेम और एटीएम कार्ड का स्टेटस यानी अभी आपका एटीएम कार्ड एक्टिव है या फिर नहीं। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से घर बैठे ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के द्वारा अपने एटीएम कार्ड के नंबर पता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल इमित्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। जय हिंद, जय भारत।